किसी भूलोक में जाके रहना चाहता है तो रह सकता है, और यदि कभी समय मिला इस बार की कामाक्षी मंदिर में तुम गए नहीं, वहां तांत्रिक सम्मेलन था और मैं कामाक्षा में उस तांत्रिक सम्मेलन नहीं गया था, उसमें कोई विचित्र तांत्रिक है, तुमने तो देखा नहीं और तुमने तांत्रिकों को भी देखा नहीं, तुम भूतनाथ प्रेतनाथ पिशाचनाथ को देखे, मैं तांत्रिक नहीं देखे, बहुत तेजस्वी और क्षमतावान, चुनौतियों को झेलने वाले और चुनौतियां देने वाले, और उनके सामने उच्च कोटि की शक्तियां भी हाथ बांध के खड़ी रहती है, चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे मृत्यु हो, मृत्यु की मृत्यु होती है झपट्टा मार दे उस पर, ऐसा तांत्रिक जिंदा है। तुम्हारा सौभाग्य बने कभी मेरे साथ चलने का और तांत्रिक सम्मेलन हो और तुम्हें क्षमता हो वहां चल करके देखने की, दोनों बातें हो, तांत्रिक सम्मेलन हो और तुम्हें क्षमता हो, क्योंकि बिना प्रारब्ध के साथ हो नहीं सकता और बिना संयोग के ये चांस बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले यात्राएं करवाता था, बद्रीनाथ एक बार गया, एक बार केदारनाथ लोगों को ले गया, एक बार अमरनाथ ले गया, चार साल से मैंने यात्रा नहीं की, तो चार साल में आप लोग एक भी यात्रा नहीं कर पाए, और यो मेरे साथ 100-200-500 लोग जाते ही थे, यात्रा हो ही जाती थी, अब नहीं हो पाती, जब मैं नहीं जा पाता तुम लोग भी नहीं जा पाते, इसलिए कि मैं अपनी प्राण शक्ति से तुम्हें खींच करके यात्रा पे ले जाता था, और तुम्हें ऐसा है चार साल में तुम गई नहीं, हरिद्वार भी नहीं जा पाए, और मैं तुम्हें अमरनाथ तक ले गया और गंगोत्री का गौमुख तक ले गया और 80 साल के वृद्धा को भी ले गया, जो गंगोत्री मेरे साथ, इसमें से कोई 2-4-6 लोग तो होंगे, आंख खड़े करे कोई नहीं होगा, उस गंगोत्री बोट में थे, और गंगोत्री में जाना तो कठिन है और गौमुख में जाना तो और भी कठिन, 8 साल का बालक भी था उसमें और 60-70 साल की वृद्धा भी थी, और कहीं किसी को अहित नहीं हुआ, न कोई मरा, बल्कि आदमी गौमुख से जाना अत्यधिक कठिन और दुष्कर होता है, अब जिनके प्रार्थ थे उन्होंने गौमुख देखा, नहीं प्रार्थ है तुम्हारे अब तुमको गौमुख होता ही नहीं कुछ, हमने देखा नहीं इसलिए कैसे मान ले, अब तुम्हारे तक मैं पहुंच नहीं सकता, अब तुम कह दो नहीं होता तो मैं मान लेता हूं नहीं होता, पर गौमुख है तो जब मैं कह रहा हूं कि भूलोक है तभी मानना पड़ेगा, फिर भूलोक है तभी मानना पड़ेगा, और या कह दो मैंने गौमुख देखा नहीं इसलिए गौमुख नहीं है, और गंगोत्री मैंने देखी नहीं इसलिए गंगोत्री नहीं हो सकती, और नेपाल मैंने देखा नहीं इसलिए नेपाल नहीं है, उसे चल नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि उन तांत्रिकों में वो क्षमता है, और इस तंत्र सम्मेलन में हिमालय के वो ही तांत्रिक आए थे जो अपने आप में बड़े सिद्धतम आचार्य हैं, बहुत क्षमतावान है और विचित्र वेश धारण की, और उनकी मस्ती है, वो इस बात की परवाह नहीं करते लोग मुझे क्या कहेंगे कैसे देखेंगे, नंगे हैं तो बिल्कुल नंगे हैं, नलमुंड पहने हुए तो नलमुंड पहने हुए हैं, खोपड़ी सिर पे रखी हुई तो खोपड़ी रखी हुई है, और चिमटा लगाए हुए हैं, और बबूत लगाई हुई है, और 20 कपड़े पहने, वो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए कि उनको इस बात की परवाह नहीं होगी पड़ोसी क्या कहेगा, इस बात की, और तुम्हें इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा कर लिया तो ये क्या सोचेगा, और तुम इसलिए दुखी हो। जब मैं कहता हूं ध्यान मस्त के साथ झूमते हुए आरती गाओ तो तुम झूमते थो, मैं ध्यान रखते इसमें चलना नहीं लग गया, पास बैठा है वही ऊपर के, अरे ठीक तो झूम रहे गुरु जी, झूम तो रहे, झूम रहे और जान भी है, टल्ला लग गया तो गड़बड़ होगा, ये सोच रहा क्या है, सोना टल्ला लगा दिया पागल है, इसलिए तुम्हें आस पास की चिंता रहती है और वो चिंता मुक्त है। मगर उनके सामने बहुत दमखम वाला आदमी खड़ा हो सकता है जिसकी लात में ताकत होती है तो वो मानते हैं, बातों से मानते नहीं, वो उनको हाथ जोड़े हैं तो भाई आप वो कुछ नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, वहां पर मैं अगर ऐसे प्रवचन देने लग जाऊं तो वो सुने ये सारा नपुंसक आदमी कहां से है, सारा आदमी है ये क्या है, उनको उसी प्रकार से चुनौती के रूप में फटकारते हुए गाली देते हुए तो बात करनी पड़ती है और लात लगानी पड़ती है, 40 फुट जाके गिरता है तो वो खड़ा, गुरु जी क्या गलती क्या हुई, तब उनको समझ में आती है बात, और वहां वैसा रूप धारण करना पड़ता है, और यहाँ पर वैसा अगर रूप तुम्हारे लगा दे लात तो इस जिंदगी में तुम आओगे नहीं, तुम तो मर जाओगे, और दूसरा खड़ा कि गुरु जी तो बस
बुद्धि सठी आ गई है और तुम से लात ठोक देंगे, तुम 40 फुट जाके गिरोगे और तुम जाना मत। आपके सामने क्रोध कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते, उस क्रोध के वेग को झेलने के लिए भी बहुत गौरव की जरूरत होती है, क्षमता होती है। इसलिए मैं अभी मैं अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अभी महीने भर उस तांत्रिक सम्मेलन में था, तब तुम्हारा क्या स्वरूप और तुम्हारा क्या आग और क्या क्रोध और क्या चिंगारियां थी और तुम यहाँ किस ढंग से बोल रहे हो, समय समय की बात है। और कभी तुम्हें जीवन में मेरे साथ यात्रा करने का मौका मिले, तीर्थ यात्रा करने का या किसी तांत्रिक सम्मेलन में जाने का, और जरूर मौका मिल सकता है अगर तुम्हारा मेरा साथ संपर्क साहचर्य बन रह सके। इसलिए तांत्रिक सम्मेलन तो होंगे और होते ही रहते हैं, मगर तुम उनको जब देखोगे तो एहसास होगा कि पुरुष किसको कहते हैं, तब तुम्हें अपने आप में शर्म आएगी कि यार हम पुरुष हैं इनके सामने क्या। वो उन शक्तियों को यूं झपट्टे मार के खड़े होते हैं और उनके सामने ये बाकी शक्तियां हैं वो थर थर खड़ी रहती है, कांपती रहती है, हिम्मत नहीं होती उनकी, न मृत्यु की हिम्मत होती उनको झपट्टा मारने की, न अग्नि की, न इंद्र की, न वरुण की, न यम की, कुबेर की, किसी की नहीं। वो अगर लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम्हें ये इतना सामान लाना है तो जगमार के ला के देना ही पड़ता है। और उस जंगल में तुम मखमल के गद्दों पे नहीं सोते, वो मखमल के गद्दों पे सोते हैं उस जंगल में, और चार रजाइयां उड़ते हैं मखमल की और सुबह बाकी रजाइयां रवाना कर देते हैं अपने मंत्रों से, और शाम को आराम से 36 तरह की सब्जियां खाते हैं और 20 तरह की मिठाइयां खाते हैं, तुम नहीं खा सकते। उस जंगल में भी वो शायद उतने आनंद और मस्ती के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पास मांत्रिक क्षमता है। ये 1-2 लाख इकट्ठा करना तो एक बहुत छोटी सी और बेकार सी घटना है, तुम्हारे लिए 1-2 लाख बहुत बड़ी बात हो।